एक वो सीएनजी पे चलने वाला एंकर होता था, नहीं भाई रिक्शे की बात नहीं कर रहा, एक एंकर होता था सीएनजी पे चलने वाला, वो हमारा दोस्त जियो टीवी के ऊपर शाजिब खान दादा साहब, वो रोज बताते थे कि महंगी सीएनजी ले ली, लेट ले ली, 13 तारीख को लेते तो अच्छा होता, हो तोता फाल नहीं निकालता होता, वो वाला तोता था, वो फाल निकालता था, 13 तारीख को लेनी थी, 17 को ले ली, 18 को लेनी थी, अगर डबल शॉपर करवा लेते तो एलएनजी लीक ना होती, ये डबल शॉपर नहीं करवाया था। तो वो जो छोटू हकीम है हमारा, वो गायब है पता नहीं, तो गैस बंद है तो उसको गैस मिल नहीं रही, और वो गैस से चलता है इसलिए बंद है, या उनकी शर्म आजकल मेरा ख्याल है कहीं गई हुई है, शायद छुट्टी पे गई होगी, समर हॉलीडेज भी होते हैं तो उनकी जो शर्म है या जिस तरह की सहाफत वो करते हैं उसको शायद आजकल समर वेकेशन हो, तो उनको उनके चैनल को याद करवाना था कि 45% गैस महंगी हो चुकी, किसानों के जो प्लांट थे खाद के उनको गैस बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से खादें महंगी हो गई हैं, किसान को खाद नहीं मिल रही, उसकी फसल तबाह हो जानी है, उसकी फसल तबाह हुई तो आटा पहले ही इस टाइम 95 रुपये किलो में बिक रहा है, अगले चंद दिन में वो 100 रुपये किलो हो जाना है, गरीब आदमी रोटी खाने से भी जाएगा, तो आपको शाजिब साहब लोग अब आपको भी गालियां देंगे दिन रात सुबह शाम, क्योंकि उनको सब याद है आपका किया हुआ करतूत, सब याद है जब आप लफाफा पकड़ के सारे प्रोग्राम एलएनजी पे करते थे, अब उससे हालात खराब है और अब आपको चुप लगी हुई है, आप साइलेंट मोड पे, कहीं बोलते नहीं, नजर नहीं आ रहे आजकल, तो एक आध प्रोग्राम करें और कुछ नहीं तो कम से कम मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई साड़ फक लें, बाकी आप लोग येलो जर्नलिज्म करते हैं, लोगों की जातियात के ऊपर आपको बहुत प्रोग्राम करने का शौक है, जातियात की इंफॉर्मेशन अब आपके बारे में भी बहुत ज्यादा है हमारे पास, लेकिन तरबियत का फर्क है, वरना तो जातियात ऐसी रंगीन है आप लोगों की कि आप लोगों के बारे में खबरें आए ऊपर से नीचे तक तो आपको लग होश जाए, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे क्योंकि तरबियत फर्क है। तो आपको दोबारा आपको ये मशवरा देता हूं कि कभी आपने अपनी जातियात देखनी है तो आप जरा रابطہ कर लें इस्लामाबाद रावलपिंडी के तमाम रिपोर्टर्स के साथ, उनके पास भरे पड़े हैं उनके फोन, मुझे चंद ने दिखाए हुए, मुझे लगता है शायद बाजी के पास भी आपका मटेरियल है जिस वजह से मजबूर होकर आप इस तरह के प्रोग्राम करते रहे, अब तो मुझे यही लग रहा है। आगे चलते हैं।